Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my channel, Rajanim Official Vlogs. I hope you all are doing well. So friends, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है. आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. समर सीजन स्टार्ट होते ही हमारे स्किन इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक एक्ने, सनबर्न, टैनिंग एटसेट्रा. तो समर के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों के साथ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी शेयर की थी टू अवॉइड दीज इश्यूज. लेकिन उस सब के साथ साथ डेली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी जरूरी है, स्पेशली इन समर यू कांट लीव योर स्किन बेयर. तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी डेली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड द सीक्रेट ऑफ ग्लो आई हैव. सो हियर वी ग्लो. सबसे पहले मैं नॉर्मली अपना फेस वॉश यूज करती हूँ, और आपकी जो भी स्किन टाइप है आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ करती हूँ ये कॉम्बो ऑफ ग्रीन टी एंड कोकम्बर बाय प्लश नेचुरल, एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. फेस वॉश करने के बाद कभी भी अपने फेस को टॉवल से या क्लोथ से ड्राई मत करें. मैं हमेशा जो है वो टिश्यू पेपर से अपने फेस को टैप ड्राई करती हूँ. तो नेक्स्ट स्टेप है, डेट इज़ अ गेम चेंजर फॉर माई स्किन इन समर्स. मैं क्या करती हूँ, मैं एक बाउल में आइस क्यूब्स ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसमें मैंने अपने फेस को 1 से 2 मिनट के लिए डिप करना है, और मैं ये स्टेप 3 से 4 बार रिपीट करती हूँ. अगर आप ये स्टेप फॉलो करें तो आप जितना भी आप बियर कर सकें उतनी देर के लिए आप अपने फेस को इस कोल्ड आइस वाटर में डिप करें. स्टेप विल लीव योर स्किन ग्लोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल. मैं यूज़ करती हूँ जी जेड रोलर एंड स्टोन टू मसाज माई स्किन. फॉर यू दिस स्टेप इज ऑप्शनल, अगर आपके पास सुबह टाइम ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं. आई अप्लाई टोनर. आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं या इवन आप रोज वाटर को भी एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं. मैं जेनिसन कॉस्मेटिक्स का ये टोनर यूज़ करती हूँ, टोनर इज़ माई फेवरेट. स्टेप फॉर ग्लोइंग स्किन इज यूजिंग इंटेंस ग्लो सीरम. ये भी प्लश नेचुरल का है एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ ग्लो. आप इसको मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल. मेरा तो ये फेवरेट है. यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू वॉन्ट. तो अप्लाई करने के बाद 5 मिनट आपने लाजमी देने हैं टू लेट इट एब्जॉर्ब इन योर स्किन. फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई करती हूँ वाइटामिन सी सीरम. आप कोई सा भी वाइटामिन सी सीरम ले सकते हैं, बट अगेन आई एम यूजिंग दिस वन बाय प्लश नेचुरल. इससे पहले मैं सी सोर्स का भी यूज़ करती रही हूँ, बट दिस वन सूट्स मी मोर. इसको भी आप अच्छे से अब्जॉर्ब होने दें 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं. नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्शनल, बट टू ग्रैब मोर ऑफ वाइटामिन सी मैं यूज़ करती हूँ वाइटामिन सी की ये स्किन मिस्ट. स्प्रे इट ऑन योर फेस एंड लेट इट ड्राई नेचुरली. और आप इसको बिफोर एंड आफ्टर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, पर मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन. एंड ये स्टेप आपने कभी भी मिस नहीं करना अगर आपको अपने स्किन इश्यूज़ को अवॉइड एंड क्योर करना है तो. कभी कभार इवन अगर मैं रूम से बाहर नहीं भी निकलना तो भी मैं सनस्क्रीन लाजिम यूज़ करती हूँ. मैं यूज़ करती हूँ प्लश नेचुरल की सनस्क्रीन. आप लोग कोई से भी सनस्क्रीन यूज़ करो, बट डोंट स्किप यूजिंग इट. सनस्क्रीन इवन हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एज इससे हमारी स्किन डर्ट और हीट से प्रोटेक्टेड रहती है. दिस इज़ द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन. इसके बाद टू लुक प्रेजेंटेबल एंड फ्रेश मैं यूज़ करती हूँ लिप एंड चीक टेंट. आप कोई सा भी लिप एंड चीक टेंट यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट. दिस वन इज़ माई फेवरेट फॉर दिस वीक. मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के साथ साथ मैं अपनी स्किन को वीकली भी स्पेशल ट्रीट देती हूँ बाई यूजिंग प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स. मैं यूज़ करती हूँ ग्लैमन ग्लो स्क्रब एंड ग्रीन क्ले मास्क. इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है, लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं.
टू प्रोडक्ट्स आर रियली मैजिकल एंड एज नेचुरल हैं, सो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और इससे स्किन के इश्यूज काफ़ी हद तक कंट्रोल और ट्रीट हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट 2019 से यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड कर रही हूँ। इट्स नॉट प्रमोशन। तो ये थी मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉर ए ग्लोई एंड हेल्दी स्किन। बट रिमेंबर, स्किन केयर के साथ साथ अच्छी स्किन के लिए हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी है एंड कुछ भी ओवरनाइट चेंज नहीं होता, उसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नाइट स्किन केयर रूटीन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ग्लोइंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।